ये लगाम घोड़े की तरह कुदाती, कहाँ घुसी जाता दबा की। हमें छोटे सरकार से मिलना है भैया जी। भैया जी का तेल लेने छोटे सरकार आईवी गैवी नथु खैरी से ना ही मिलत दबा। पहचाना था तो का रात की ही बखत बुलाइन है। अरे इज्जत का कबाड़ा करो चाहत ससुर। नाचे नागे जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इसके शूटिंग लोकेशन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग को लेके आए हैं जुहू बीच पे। यहाँ पे आज के करीब 34 साल पहले एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम है नाचे नागिन गली गली। उस फिल्म की शूटिंग हुई थी जो आप हमारे पीछे ये गली देख रहे हैं, इस गली में वो शूटिंग हुई थी। और यहाँ पे वो कार देखो मुड़ रही है, वो गेट है, उसी गेट के पास बहुत सारा सीन लिया गया है। जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे आज के करीब 34 साल पहले फिल्म की शूटिंग हुई थी जिस फिल्म का नाम है नाचे नागिन गली गली। उसका बहुत सारा सीन जो है यहाँ हमारे पीछे जो बंगला दिखाई पड़ रहा है, ये बंगले का गेट दिखाई पड़ रहा है, उस गेट के पास बहुत सारा सीन लिया जाता है। यहाँ पे गाना का भी सीन शूट होता है। अभी हम जिस जगह पे पहुँचे हैं ये है अंधेरी जुहू बीच और इस जगह पे ये लोकेशन है जिस लोकेशन पे अभी हम पहुँचे हैं। और ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई थी, इस बिल्डिंग का नाम है त्रिशूल। तो इसी त्रिशूल बिल्डिंग के अंदर आज के करीब 34 साल पहले नाचे नागिन गली गली फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो आज वो सारा सीन आप लोग को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले दोस्तों। ये वो गेट है जहाँ पे नाचे नागिन गली गली फिल्म की शूटिंग हुई थी आज के करीब 34 साल पहले। 34 साल पहले का वो सीन दिखा रहा हूँ, मुझे क्या मालूम। 34 साल पहले शूट की गई वो जगह दिखा रहा हूँ, अभी भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये गेट आप लोग देख सकते हैं जिस तरीका से फिल्म में दिखाया गया था उसी तरीका से आज भी ये गेट दिखाई पड़ता है। और इसके जो पिलर वगैरह है वो आप लोग मैच कर सकते हैं। हालांकि ये गेट देखिए नीचे से थोड़ा सा जंग लग गया है, सड़ रहा है, हो सकता है कुछ टाइम में ये गेट चेंज कर दिया जाएगा। और इसका जो कलर है ना वो चेंज किया गया है, बाकी सारा का सारा उसी टाइम का है। और ये जो अंदर का बिल्डिंग है ना, जो बंगला है, इस बंगले को दिखाया जाता है फिल्म के जो हीरो होते हैं उनका घर दिखाया जाता है। तो अभी आप लोग को इस जगह पे लेके आया हूँ जहाँ पे आज के करीब 34 साल पहले नाचे नागिन गली गली फिल्म की शूटिंग की गई थी। और ये वो गली है जहाँ पे बहुत सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारा सीन लिया जाता है, यानी इन्हीं गलियों के अंदर फिल्म के बहुत सारे सीन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस गार्डन का सीन दिखाई पड़ता है जिसमें यहाँ पे नक्षी और नागेश खड़े होते हैं। तो आप लोग को ये जो गार्डन का ग्रिल है, ये ग्रिल आप लोग को दिखाई पड़िएगा। इसकी जो डिज़ाइन वगैरह है सेम टू सेम उसी प्रकार से है जिस तरीके से फिल्म के अंदर दिखाया गया था। और पीछे पेड़ भी दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये पेड़ भी हैं, आज वो बहुत बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं दोस्तों। एक सीन के अंदर आप लोग देखेंगे इधर सामने से जीप आती है जिसमें उनके पिताजी अपने बेटे को लेके आते हैं जीप में बैठा के। तो आप कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे जिसमें ये गेट आप लोग देख सकते हैं, इस गेट के जो पिलर वगैरह इसको देख सकते हैं। हालांकि इस गेट का जो कलर है वो अभी चेंज है, बाकी पूरी की पूरी आप मैच कर सकते हैं। पीछे का ये जो रोड है, साइड साइड में पेड़ है, थोड़ा सा डेवलप हो गया क्योंकि आजू बाजू में बिल्डिंग बन गई। बाकी इस साइड जो है गार्डन आज भी है उसी प्रकार से। एक सीन के अंदर जो सपेरा होता है इस रास्ते से चल के आता है और ये जो गेट दिख रहा है इस गेट से इस बंगले के अंदर चला जाता है। और मीनाक्षी जो होती हैं वो जब देखते हैं सपेरा आता है तो वो भाग के इस जो यहाँ पे पिलर है इस पिलर के पीछे छुप जाती हैं और सपेरे को देखती हैं। तो सपेरा जो होता है इस गेट के अंदर चला जाता है और अंदर जाके वहाँ पे होते हैं नागेश और वहाँ पे बैंड बजाने लगता है। और बैंड बजा के नागेश जो होते हैं उनको अपने बस में कर लेता है, यानी सांप बना लेता है। उसके बाद सांप बना के फिर वो इसी गेट से बाहर आता है और फिर इसी रास्ते से लेके वो चला जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट के अंदर देखेंगे यहाँ पे मीनाक्षी छुपी होते हैं और यहाँ से सपेरा अंदर जाता होता है। तो गेट कुछ इस प्रकार से होता है, गेट की जो पिलर है वो आप लोग देख सकते हैं और इसके पिलर के ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है छोटा छोटा वो भी देख सकते हैं और जो लाइट लगा है वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि लाइट चेंज कर दिया गया, उस टाइम का लाइट नहीं है, ये लाइट नया है। बाकी आप पूरा का पूरा सीन मैच कर सकते हैं। और इस गेट का जो कलर है ना ये कलर भी अभी चेंज है, तो कुछ इस तरीके से सीन दिखाई पड़ेगा दोस्तों। एक सीन के अंदर आप लोग देखेंगे ना तो सपेरा जो होता है यहाँ सामने से लेके नाक को हाथ में पकड़ के लेके आता है। तो आप स्क्रीनशॉट में लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसकी जो डिज़ाइन है पिलर की, जो गेट की डिज़ाइन है वो मैच कर सकते हैं। अंदर की जो दिखाई पड़ रहा है वहाँ से सपेरा नाक को हाथ में लेके इस गेट के रास्ते से आते हैं और उसके बाद ये जो सामने की
रोड है, इस रोड के सामने ये जो सामने की रोड है, इस रोड से वो चला जाता है। तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, एक जो सीन है यहाँ से दिखाया जाता है। दोस्तों एक सीन को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, जब मीनाक्षी सह्याद्री उनसे मिलने के लिए आती है नागेश से, तो यहाँ पे गेट के पास एक पहरेदार अंकल होते हैं, वो उनको रोक देते हैं, कहते कहाँ जा रही हो इतनी रात को, तो कहते हैं हमको नागेश से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। कहते वो अभी नहीं मिल सकते किसी से, इतनी रात को अभी तुमसे कैसे, इतनी रात को वो तुमसे काहे के लिए मिलेंगे, तो कहते मुझसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वो नाग का रूप धारण करती है और इस गेट से अंदर चली जाती है। तो कुछ इस तरीके से सीन दिखाई पड़ेगा, जिसमें आप लोग देखेंगे इस गेट की डिज़ाइन को आप लोग मैच कर सकते हैं, उसी प्रकार से आज भी दिखाई पड़ता है जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया था। दोस्तों एक सीन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, उनको छेक लेते हैं मारने के लिए, तो कुछ इस तरीके से सीन दिखाई पड़ता है, और वो बीन की धुन पे यहाँ पे नाचती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सीन होता है यहाँ का, अगर आप लोग देखे होंगे फिल्म को, वैसे तो सब लोग देखे ही होंगे, फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो कुछ इस प्रकार से सीन दिखाई पड़ेगा, ये गेट का सीन दिखाई पड़ता है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इस गेट को मैच कर सकते हैं। उसके बाद गेट के अंदर से नीतीश जो हीरो होते हैं वो निकल के आते हैं, उनके पिताजी निकल के आते हैं, और माता वाता सब लोग निकल के आते हैं वहाँ से बाहर। तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जिसमें ये गेट को दिखाया जाता है, हालांकि गेट उस समय खुला होता है, तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारा सीन होता है, जिसमें यहाँ पर मीनाक्षी को सारे लोग चेक के रखते हैं उनको मारने के लिए। फिर जो हीरो होते हैं वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं नागेश को बचाने के लिए, उनके पिता बोलते हैं नहीं तुम नहीं जा सकते हो। दोस्तों एक सीन के अंदर आप लोग देखेंगे ये जो गेट है, इसके सामने मीनाक्षी को यहाँ पे सारे लोग उनको घेर लेते हैं मारने के लिए, बोलते हैं ये नागिन है इसको मार डालो यहीं पर। तो ऐसा कुछ सीन होता है, जिसमें आप लोग को ये गेट दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पर बहुत सारा सीन लिया जाता है, यहीं पर वो डांस करने लगती हैं, तो कुछ इस तरीके से सीन दिखाई पड़ता है। दोस्तों एक सीन के अंदर ये सामने जो आप लोग को बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, ये बिल्डिंग दिखाई पड़ जाएगा, हालांकि वो सीन जो होता है वहाँ पे होता है, और ये गार्डन होता है, इस गार्डन के बीच से ये वाली बिल्डिंग दिखाई पड़ती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट में एक सीन देख सकते हैं, जब नीतीश भारद्वाज अपने पिता से बात करते रहते हैं, तो कुछ इस प्रकार से सीन दिखाई पड़ता है, जिसमें आप लोग देखेंगे ये सामने की जो बिल्डिंग दिख रही है, इस चीज़ को देख सकते हैं, ये जो ऊपर का ये वाला हिस्सा है ये उस समय खुला होता है, अभी पैक कर दिया गया है। दोस्तों अभी आप लोग देख रहे थे इस वीडियो के अंदर नाचे नागिन गली गली फिल्म की शूटिंग लोकेशन। दोस्तों ये करीब 34 साल पहले फिल्म आई थी, जिसकी लोकेशन आज आप लोग इस वीडियो के अंदर देख रहे थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये लोकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल था भाई, क्योंकि 34 साल पहले किसी घर को ढूँढना और आप लोग को दिखाना भाई बहुत मुश्किल का काम है। फिलहाल आप लोग को दिखाने के लिए मैं इस जगह पर लेके आया हूँ, और आप लोग को वीडियो दिखाया हूँ। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।